मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर मैग्नेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पहला ऐसा आएगा, दो मैग्नेट्स हैं आइडेंटिकल, ये रहा साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताने क्या होगा इसका, और इनके बीच में एंगल कितना है 60। अब डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ, ये कैपिटल एम है, इसकी कहाँ से साउथ से नॉर्थ, ये कैपिटल एम है, तो ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है, इनके बीच में एंगल क्या बनेगा 120, तो एंगल ये नहीं, एंगल ये वेक्टर के बीच में 120, तो नेट वैल्यू क्या आएगी एम स्क्वायर 2mm cos 120, जो कि मैथ्स में माइनस हाफ होता है, सॉल्व करेंगे तो नेट आंसर m आएगा, पहला क्वेश्चन। फिर वो कहेगा कि तीन मैग्नेट्स हैं, अब तीन मैग्नेट्स में ऐसी पड़ी हुई हैं नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो ये मैग्नेट का कैपिटल m ये रहा, इस मैग्नेट का कैपिटल m ये रहा, और इनके बीच में एंगल कितना है 60, तो इसका कैपिटल m ये रहा साउथ से नॉर्थ, ये रहा तीन कैपिटल m है, दो कर दो दो करके करते हैं, पहले इन दोनों का लेते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यहां पर नेट m क्या आएगा, m आएगा अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर 2mm cos ऑफ 60, इसे सॉल्व करेंगे रूट 3m, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा रूट 3m। अब आपके पास दो वेक्टर बचे हुए हैं, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, तो एक काम करते हैं, ये वाला वेक्टर ऊपर आएगा रूट 3m और ये वेक्टर अनसॉल्व नीचे पड़ा हुआ है m, और दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, तो नेट आंसर क्या आएगा इनका वेक्टर सम, आंसर इज 2m। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे मैग्नेट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे? ठीक, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है इस टाइप का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, क्वेश्चन आएगा, सपोज करो आपके पास एक बार मैग्नेट है, कुछ ये रहा, ये बार मैग्नेट है सच दैट ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस बार मैग्नेट का कैपिटल एम आपको गिवन है, इस बार मैग्नेट का बस एक ही चीज गिवन है कैपिटल एम। फिर वो कहते हैं ये जो बार मैग्नेट है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, क्वाड्रेंट बना दिया, क्वाड्रेंट बनाने का मतलब है कि 90 डिग्री की शेप दे दी कुछ ऐसे ऐसे, तो ये जो बार मैग्नेट था जो कि ऐसा था, अब मैंने उसको ऐसे मोड़ दिया ऐसे सच दैट ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो कह रहे बताओ इसका एम डैश क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा नए मैग्नेट का, ये बताओ जो गोल है क्वाड्रेंट है, ये क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एम बताने आंसर, और कुछ नहीं गिवन, एज्यूम करें इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है और ये लेंथ एल है, एज्यूम कर लें, तो कैपिटल एम क्या होगा स्मॉल एम इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स क्या है एल, इक्वेशन नंबर वन, ठीक हो गया। दूसरे केस में अब ये मैग्नेट्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, वो तो चेंज होगी नहीं, अब इसमें क्या होगा ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ये आर है ये आर है तो ये रूट टू आर है, तो एम डैश की वैल्यू क्या होगी स्मॉल एम इंटू रूट टू आर, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेनी होती है हमें। अब रेडियस क्या है, अब टोटल लंबाई मैग्नेट की एल थी, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 2πr/4, क्वाड्रेंट है, तो ये जो लंबाई है 2πr/4 और एल की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, राइट, तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 2l/π, इस आर को यहां पुट कर देते हैं 2l/π, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब आपको ये पता है ये कैपिटल M, ये M डैश इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा M डैश बाय M विल बी इक्वल टू M रूट टू 2l/m इंटू एल, एम एम एल एल कैंसल, जो बचा आंसर 2√2/π। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, तो ये स्टाइल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन के बाद ये शीट आपके पास नहीं है, 76 ये वाली शीट का पहला क्वेश्चन। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम एंड पोल स्ट्रेंथ छोटा एम इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। ये नहीं है आपके बुकलेट में, नहीं है, मत ढूंढे, नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेट है, ये इसका एक्सिस है, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसके एक्सिस के हिसाब से इसको दो हिस्सों में काट दिया लंबाई में। जब आप इसको लंबाई में काटते हैं और छोटी मैग्नेट निकल के आएगी तो इसकी पोल स्ट्रेंथ याद रखना एम बाई टू हो जाएगी, ये नोट है। तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है अगर आप मैग्नेट को एक्सिस से काटते हैं, लेकिन अगर आप मैग्नेट को परपेंडिकुलर से काटते हैं तो जो दो मैग्नेट्स निकलेंगी उनकी पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम, फिर वो सेम रहेगी। ठीक, ये लिखा हुआ है इसमें, प्रिंट आउट दे दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, कि इफ मैग्नेट इज कट अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेट ऑफ लेंथ एल तो न्यू पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ। नोट में लिखना, ये लिख सकते हो बुकलेट में, वो फॉर्मुला रजिस्टर में ये लिखना, ये लाइन लिख लो, सिर्फ ये लाइन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कैपिटल एम क्या होगा, तो पहले कैपिटल एम क्या था, स्मॉल एम इंटू एल, अब क्या हो गया एम बाई टू इंटू एल, लंबाई थोड़ा चेंज हुई, एम बाई टू चेंज हुआ, तो डिवाइड करेंगे तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, हाफ। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैंने मैग्नेट को परपेंडिकुलर से काट दिया तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी पर अब लंबाई एल बाई टू हो जाएगी, तो नया मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पुराना क्या था एम इंटू एल, नया क्या हो जाएगा m इंटू एल बाई टू, डिवाइड करेंगे आंसर फिर से क्या आएगा m बाई टू, ठीक m बाई टू।